everyone, welcome back to my channel. It's me Pragya, and in today's video I'm going to share with you the review of this rubbing alcohol, and also I'm going to share with you how to fix broken compact powder or a bronzer or a blusher, so any kind of broken makeup product. So I will share all the details about this product, and I will show you how to fix your broken palette. So if you are interested to know all those, please keep on watching this video till the end, and without any further delay, let's quickly jump into the video. तो ऐसा कई बार होता है कि हमने कोई कॉम्पैक्ट पाउडर या ब्रॉन्जर या फिर कोई आई शेडो पैलेट मार्केट से खरीदा हो या फिर ऑनलाइन भी मंगवाया हो और हमें वो टूटा रिसीव होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आई शेडो पैलेट में एक या दो शेड होता है जो टूटा हुआ रिसीव होता है, या फिर कभी कभार हमारे हाथ से भी गिरकर कोई प्रोडक्ट टूट जाता है. तो वी डोंट नो एट दैट टाइम दैट व्हाट टू डू विद दैट प्रोडक्ट, शुड वी रिटर्न इट और शुड वी कीप इट और हाउ टू फिक्स दैट प्रोडक्ट. सो इफ यू हैव फेस्ड दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. तो मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर अमेजन से कुछ टाइम पहले खरीदा था और मुझे ये पूरा का पूरा टूटा रिसीव हुआ था. पैकेजिंग ठीक नहीं था तो ये पूरा टूट गया था. तो मैंने इसका रिफंड तो ले लिया था, अमेजन से इजीली मिल गया था, और मैंने सोचा कि इसको मैं फेंक दूंगी. लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ये 500 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, मतलब 500 रुपीज़ के आसपास ही है ये इसका प्राइस. तो क्या मुझे इसको फेंकना चाहिए? तो मैंने सोचा कि एक रबिंग अल्कोहल लेके मैं देखती हूँ कि मैं उसको फिक्स कर पाती हूँ कि नहीं. तो मैंने ये वाला रबिंग अल्कोहल मंगवाया था अमेजन से. ये अब थोड़ा सा डर्टी लग रहा है क्योंकि मैं इसको हर रोज़ यूज़ करती हूँ. आज भी मैंने इसको ही लगाया हुआ है. इसका रिव्यू भी मैंने डिटेल में अपने चैनल पे शेयर किया है, तो अगर आप देखना चाहते हो कि ये मेरे लिए कैसे वर्क करता है तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट करना, और मैं आई बटन पे भी अटैच कर दूंगी. आप इस पे भी क्लिक करके देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट कैसा है. तो आप देख सकते हो कि ये पूरा फिक्स्ड हुआ है. एक दो आप लाइन्स इसमें देख सकते हो, लेकिन ये पूरा फिक्स है तो ये गिरेगा नहीं. ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है मैं यूज़ कर सकती हूँ अब. तो मुझे लगा कि मुझे इसका रिव्यू शेयर करना चाहिए इस प्रोडक्ट का, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. और अगर आपका कोई भी कॉम्पैक्ट या ब्रॉन्जर या ब्लशर कुछ भी टूट जाता है, या फिर कुछ आई शेडो का एक दो शेड्स का भी टूट जाता है आपके हाथ से गिरकर, या मतलब कैसे भी टूट जाता है, तो आप इसको फिक्स कर पाओ. इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ही चाहिए. तो मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर है जो कि टूट गया है, मतलब ये पूरा नहीं टूटा है, लेकिन इसका ऊपर का जो ये ऊंचा वाला लेयर था तो वो टूट गया है. तो यू कैन से कि ये 30-40% ब्रेक हो गया था. मेरे हाथ से ही गिरकर ये टूट गया था. जब मैंने रिसीव किया था तो एकदम सही वाला था ये, लेकिन एज आई एम वेरी क्लम्जी तो आई ड्रॉप्ड इट ऑन द फर्स्ट डे व्हेन आई रिसीव्ड इट, और ये टूट गया था. तो इसका जो टूटा हुआ पोर्शन था मैंने एक डब्बे में स्टोर कर लिया था, क्योंकि आई रियली डोंट वॉन्ट टू वेस्ट इट. तो मैंने ऐसा एक स्पेयर डब्बा था तो उसमें ये इसको स्टोर कर लिया था. आप देख सकते हो इसमें प्रोडक्ट अभी भी है. और मैं इसको ऐसे ही ब्रश से यूज़ करती थी. मैंने दो तीन बार यूज़ किया, लेकिन आई नोटिस दैट व्हेन आई यूज़ इट डायरेक्टली विद अ ब्रश, और उसको मैं कितना भी डस्ट ऑफ करूँ ना, तो मैं जब अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे तो ज़्यादा पिगमेंटेशन आ जाता है. तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब ऐसे ब्रश को इसमें डीप करके आप कर सकते हो. अच्छे से डस्ट करना होगा एक्सेस प्रोडक्ट को, लेकिन मुझे फिर भी वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा, क्योंकि कभी कभार होता था कि ज़्यादा पिगमेंटेशन आ जाता था तो उसे फिक्स करने में बहुत ही दिक्कत होता था मुझे. तो इसको मैं सेट करके आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देती हूँ. तो ये है निक्स का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये 99.9% प्योर है, और इसका जो क्वांटिटी है ये है 250 ml.
विच इज़ अ प्रिटी गुड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट। तो ये तो 500 के ऊपर कुछ रिटेल करता है, लेकिन ये मुझे सिर्फ 199 रुपीज़ का मिला अमेजन से, और मैंने आज जब चेक किया तो ये 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है, तो डिस्काउंट में है। आप डेफिनेटली इसको जाकर परचेस कर सकते हो अगर आपका कुछ ब्रोकन पैलेट या कॉम्पैक्ट को फिक्स करना चाहते हो आप, तो डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। और मैं इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते। तो ये है प्लास्टिक का एक पैकेजिंग, और नॉर्मल आपको एक कैप मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ड्रॉपर काइंड ऑफ मिलता है, ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में ना निकाल पाओ। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैकेजिंग मुझे लगा। तो इसका जो बेनिफिट्स है वो डेफिनेटली एक चीज़ में लिमिटेड नहीं है, तो आप इससे तो कॉम्पैक्ट या ब्रोकन कोई भी मेकअप प्रोडक्ट सेट कर सकते हो। जो पाउडर प्रोडक्ट्स होता है आपका, तो वो तो आप डेफिनेटली फिक्स कर सकते हो इससे, लेकिन इसको आप एज अ सैनिटाइजर भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ रियली ग्रेट, क्योंकि अभी के टाइम के लिए तो सैनिटाइजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो सभी के पास तो होना ही चाहिए। तो आप इसको सैनिटाइजर के तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, इससे आपको 30% वाटर को मिलाना होगा सैनिटाइजर बनाने के लिए, और आप सैनिटाइजर की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये तो अल्कोहल है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो एज अ सैनिटाइजर। और इससे आप कोई भी ब्यूटी टूल्स को भी क्लीन कर सकते हो, जैसे कि ट्वीज़र या सीजर्स या नेल फाइलर। अगर आप मल्टीपल पर्सन हो घर पे और यूज़ कर रहे हो एक ही सीजर या ट्वीज़र्स को, या फिर कोई कुंप या ब्रश को, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को इससे क्लीन कर सकते हो, विच इज़ रियली वेरी ग्रेट। और आप इसको यूज़ करके अपने मेकअप ब्रशेज या ब्यूटी ब्लेंडर को भी क्लीन कर सकते हो। एंड बिसाइड दैट आप इसको यूज़ करके कोई भी सरफेस को क्लीन कर सकते हो, जैसे कि आपकी वैनिटी अगर क्लीन करना हो, या फिर कोई मेकअप गिरा हुआ हो या डर्टी है, तो इसको यूज़ करके आप उससे क्लीन कर सकते हो, या फिर कोई भी डिवाइस को भी आप क्लीन या सैनिटाइज कर सकते हो, जैसे कि आपके कंप्यूटर कीबोर्ड या माउस हो गया, या फिर आपका मोबाइल भी आप क्लीन कर सकते हो इसको यूज़ करके। तो इट हैज़ लॉट्स ऑफ बेनिफिट एज यू कैन सी। तो गाइज, मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही यूज़फुल भी है, डिफरेंट पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो इस प्रोडक्ट को आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, और अगर ये प्रोडक्ट आपके पास हो तो आप कोई भी टूटा हुआ मेकअप प्रोडक्ट को फिक्स कर सकते हो, और साथ ही साथ बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, और स्पेशली आप इसे सैनिटाइजर के तरह भी यूज़ कर सकते हो 30% वाटर मिला के। तो आप डेफिनेटली इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको यूज़ करके आप ब्रोकन कॉम्पैक्ट या कुछ मेकअप प्रोडक्ट फिक्स कर सकते हो। So that is it for today guys. If you like this video and found this useful, don't forget to give this a big fat thumbs up, and also subscribe to my channel if you haven't already, and click that bell notification button next to it, so whenever I upload such videos you will get notified. And also comment down below and let me know what you think of my videos, and share this video with your friends also, kyunki shayad un logo ko bhi aisa koi broken product fix karna hai, to ye un logo ke liye bhi helpful ho jayega. And also follow me on Instagram, the link is in the description box below. And until next time, stay happy, stay safe and stay tuned. Bye bye guys.